लक्षणा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा जो मामला गोवा रेस्टोरेंट का था, उस मामले में अब एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों को एक बड़ा सबूत हाथ लगा है, जिसके बाद अब स्मृति ईरानी की बेटी जोश ईरानी पर इस शिकंजा जो है वो और ज़्यादा कसता चला जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार स्मृति ईरानी अपनी बेटी को डिफेंड कर रही थी, उनके द्वारा लगातार ये साबित करने का प्रयास किया जा रहा था कि उनकी बेटी मात्र 18 साल की है, और ऐसे में इस तरीके के गंभीर आरोप जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, खास तौर से उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर के जिक्र किया था कि कांग्रेस पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता ट्वीट के माध्यम से बयानबाजी करके उनकी बेटी की एक अच्छी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसे में अगर राजनीति में परिवार को घसीटा जाता है तो यह अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन इन तमाम बयानों पर जिस तरीके से स्मृति डिफेंड कर रही थी अपनी बेटी को, उस पर अब अंकुश लगता नजर आ रहा है। क्योंकि उनकी बेटी से जुड़ा जो मामला था उसमें एक बड़े सबूत के तौर पर एजेंसी को जो एक बड़ा सबूत हाथ लगा है, उसको लेकर के अब जांच एजेंसियों ने लगातार उन पर शिकंजा जो कसना शुरू कर दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि हाई कोर्ट के द्वारा जो इस मामले में टिप्पणी की गई थी, कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं बड़े बड़े, उनको एक तरीके से निर्देश दिया गया था कि आप तमाम उस ट्वीट को हटा लें जो स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़े आपने ट्वीट किए हैं। उसके बाद कई बड़े नेताओं ने इस बात को भी कहा था कि अगर हाई कोर्ट में उनको बुलाया जाता है, इस मामले में अपने पक्ष को रखने का एक मौका दिया जाता है, तो फिर उसके लिए वो तैयार हैं और तमाम सबूत जो है कोर्ट के समक्ष पेश किए जाएंगे। लेकिन अब उससे इतर ये जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त सूत्रों के हवाले से कि रेस्टोरेंट वाले मामले में एक बड़ा सबूत जो है वो हाथ लगा है, तो आप देखते हैं कि केंद्र की सरकार अब स्मृति ईरानी पर किस तरीके का बड़ा फैसला लेती है। क्योंकि लगातार जब से ये मामला चल रहा है तभी से कांग्रेस पार्टी समेत बाकी लगभग विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे की मांग जो है वो उठानी शुरू कर दी थी, और अब भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को इस मामले में कोई ना कोई बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा, वरना विपक्ष लगातार उन पर दबाव जो है वो बनाता रहेगा। क्योंकि अब इस मामले में जो बड़ा सबूत मिला है एजेंसियों को, जो सूत्र बता रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर भी इस मामले में दबाव बनता नजर आ रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को। धन्यवाद।